अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील शायर और मैं आज पेश करना चाहता हूँ जलील शायरी बड़े दिनों बाद। इरशाद अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और अभी जो है मेरा गला थोड़ा सा खराब है, बट अभी कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। कल बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में भी, और आज जो है मेरा गला काफ़ी ठीक है और मुझे कोल्ड जो है वो थोड़ा सा अभी बेटर है मेरा। बट अभी भी जो है डॉक्टर से मैं जब दवाई लेकर आई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अभी प्रेस करिए, तो मुझसे ठंडा पानी का परहेज नहीं होता है, मुझे ठंडा पानी पीना ही पीना होता है। मेरा मन होता है कि ठंडा पानी कैसे भी पी लूँ, लेकिन अभी जब ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने कंट्रोल किया है। अभी कोशिश करूँगी कि डेली आपको ब्लॉग दूँ, और आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देती रहूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। किचन लंच टाइम हो चुका है और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कुछ भी खाने का, क्योंकि अब जब से तबीयत खराब हुई है तो मैं दवाइयाँ ही खा रही हूँ, और दवाई खाने के बाद आपको पता है मुंह कितना अजीब सा हो जाता है। चटपटा कुछ खाने का मन करता है, स्पाइसी खाएं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। स्पेशली जब भी तबीयत खराब होती है तभी इन सारी चीज़ों का मन करता है। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अभी थोड़ा प्रेस करूँ और ये सारी चीज़ें नहीं खाऊँ। और जब भी मेरी तबीयत खराब होती है मेरा गोलगप्पे खाने का सबसे ज़्यादा मन होता है, बट अभी मैं नहीं खाऊंगी। मैं थोड़े दिन अवॉइड करूंगी बाहर की चीज़ें जब तक मेरा गला प्रॉपर से ठीक नहीं हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं कुछ घर पे ही, जो नुकसान भी ना दे और मेरा पेट भी भर जाए। तो सब्जी बनी हुई है घर में, भिंडी की हूँ, मतलब खा लेती हूँ, बट मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो चलिए कुछ देखते हैं कि घर पर कुछ ऐसा बनाए जो हमें अच्छा लगे। तो मैं बनाने वाली हूँ, मैं बना रही हूँ अभी एग रोल, जो जिसका नाम मैंने खुद ही रखा है झटपट एग रोल। जो हमारे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं से ही बनाते हैं। एग रोल बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं बहुत इजी वाला बना रही हूँ जो घर पे यूं ही बन जाए। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। अगर घर पर आपका कभी भी एग रोल खाने का मन हो तो आप इस टाइप का करके खा सकते हैं, 15 मिनट में ही आपका ये बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 अंडे लिए और इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्च, मैंने चॉप कर ली थी, और ये मैंने हरी मिर्च और प्याज जो है डाल दी है। इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया चॉप कर लिया था, ये भी मैंने पहले ही। डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। जो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने लिए है टमाटर, इनको स्लाइसेस बाय काट लिए है, और अब इनके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया, डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा, ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं किए, थोड़े से ही स्टीम किए हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने निकाल लिया है, अभी इनको रख देते हैं साइड में। पैन है, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अंडा, और अब इसको हम पूरे में फैला लेंगे ऐसे अच्छे तरीके से। जो मम्मी ने बड़ी सी माशाल्लाह से रोटी बनाई थी ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। मम्मी एक मिनट आ रही हूँ। ये काफी बड़ी हो चुकी है रोटी इसके अकॉर्डिंग, चलिए कोई नहीं। तो गाइस क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन जो था ये पता नहीं क्यों चिपक रहा है इस पैन में, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने रोटी अभी अलग से निकाल दी है। अभी अंडा मैं ऐसे ही भून रही हूँ। तो ये मैंने रोटी जो है फ्राई कर ली है थोड़ी सी ऊपर नीचे, और इसमें मैंने डाल दिया अंडा, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी टमाटर के स्लाइसेस जो मैंने फ्राई किए थे थोड़े से, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अमूल चीज, और अब इसको कर देंगे हम रोलिंग रोलिंग। हमारा
एग रोल, झटपट वाला एग रोल रेडी है। तो चलिए इसे टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं कैसा बना है ये। तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं इनसे कैसा बना है। यम्मी बना है? श्योर पक्का? अच्छा बना है। पापा को टेस्ट करा रहे हैं। पापा टेस्ट करो, ये मैंने बनाया एग रोल, झटपट एग रोल, इसका मैंने नाम रखा है। लो पापा। ये गिर गया था, कैसा बना है पापा ये? पापा ये केचप नहीं है, ये टमाटर है। तो अब इसको टेस्ट करने की बारी मेरी है, तो चलिए टेस्ट करते हैं इसे और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। ये काफी टेस्टी बना है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। ये यूं ही बन जाता है। और आप सब लोग जो है शैल को मिस कर रहे हैं और जलील शायर को की शायरी भी मिस कर रहे हैं, तो मैंने जो है उन लोगों से क्लिप्स मंगवाई है कि आप लोग मुझे व्लॉग बनाकर दीजिए, मैं उसको मर्ज करूंगी। तो ये रहे शैल। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि रूशी गई हुई है अपने घर, जैसे कि आपने व्लॉग में देख लिया होगा। हम हैं अपने घर के अंदर, घर के अंदर से बच्चे भी जा चुके हैं और जैद भी अपनी अम्मी के पास गया हुआ है। और इस वक्त घर के अंदर जो मौजूद है मैं, बाजी, पापा और जलील शायर। तो हम आपस में ही लगे पड़े। बिल्कुल, दो चार दिन से आपने शायरी भी नहीं देखी होगी, इंशाल्लाह आपको इस वाले ब्लॉग के अंदर शायरी भी मिलेगी और इस वाले ब्लॉग के अंदर आपने मुझे देख ही लिया है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ये मिसिंग करना जो है ना वो खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ रुशना को। अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं इसलिए उसको लेके नहीं आया हूँ। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक्टिव हो चुका हूँ और अब मैं आपके सामने पेश भी हो चुका हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूं और अच्छी अच्छी बातें दूं। जैसे कि मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, ऐसे ही मैं कॉमेडी करता रहूं। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ जलील शायर से। तो आइए, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो आप सब हम लोगों को, मुझे पता है। मेरे पास मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है कि भाई शायरी कब आएगी और तुम लोग कब आओगे ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं इस ब्लॉग में और आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुमको। शायरी भी मैं सोच रहा हूँ बैठ के भी फौरन सुनाने वाला हूँ तुम लोगों को। तो देखते हैं कि आज कैसी शायरी आती है। थोड़ी सी शायरी ऐसी होगी आज खतरनाक वाली। तो चलिए इसको करते हैं यहीं पर ही कट, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ बाजी से। बाजी के हाथ में जो चोट लगी हुई थी वो देखते हैं कितनी ठीक हुई है और कितनी सही नहीं हुई है। कहाँ है भाई तुम्हारा हाथ? दिखाओ हाथ, दिखाओ। ये रहा बाजी का, देखो हाथ जो कटा था कुछ ज्यादा ही कट गया था, अब तो ये थोड़ा सा भर गया है। बट अभी इसके अंदर ये रेड रेड जो हो रहा है ना, ये ब्लड भर गया था कल इनका, इन्होंने बर्तन धो लिए थे इस वजह से। तो इनके इस चोट की वजह से बर्तन जो है घर के वो मुझे धोने पड़ रहे हैं। बड़े गम की बात है क्योंकि रूशी गई भी अपने घर पे, उसकी भी ये तबीयत खराब। तो चलिए इनको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए अकेला। ये अपना मोबाइल चला रही थी, हमने इनको आके यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। तो चलिए हम चलते हैं, वो सामने आपको किचन दिख रहा होगा। अबे तू कहाँ से आ गया भाई? मैंने गेट खुला देखा, सोचा कुछ उठा के ले जाऊं। अच्छा, चोर हो तुम खानदानी? ओफो, तो तुम खानदानी चोर हो हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खानदानी चोर है, लेकिन मेरे दादा चोर थे। हाँ। मेरे अब्बा चोर थे। हाँ। ऐसा ना होगा इस व्लॉग को घर वाले देखें तुम्हारा, बना दें जेंटलमैन घर पे। तो मम्मी जो है आज मेरा सूट कट कर रही है, क्योंकि मम्मी अभी मेरा बाहर से आज जब मार्केट गई थी तो मेरे लिए लेकर आई है वो कॉटन का सूट घर के लिए नॉर्मल पहनने का। तो कहने लगी मैं ही कट करूंगी और मैं ही स्टिच करूंगी। मैंने उनको बोला टेलर के पास ले जाती हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं टेलर के को मत दो, मैं ही स्टिच करूंगी। वैसे तो मम्मी को हम लोग करने नहीं देते हैं स्टिच, लेकिन जो नॉर्मल कॉटन के सूट है वो जल्दी जल्दी से खुद ही स्टिच कर देते हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे कट कर रही है और कैसे वो सी रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मी को, मेरी टैलेंटेड मम्मी खुद ही मेरा कॉटन का सूट लेकर आई है और अभी खुद कटिंग कर रही है कि मैं इसको सीऊंगी और फिर तुम पहनना इसे। हम इनको इतना मना करते हैं कि मत सीओ, मत स्टिच करो, हम बाजार से सिलवा लेते हैं, लेकिन नहीं, खुद ही ये सुनती नहीं और खुद ही कटिंग कर रही। देखिए तो आप देख सकते हैं मम्मी को कितनी जल्दी से उन्होंने कटिंग किया, फास्ट सर्विस दिखाई और अभी इन्होंने स्टिच करना भी शुरू कर दिया। देखिए कितने इजीली और जल्दी जल्दी सी रही है। हमारी अम्मी ने जो है 1 घंटे 15 मिनट में ये पूरा सूट सी दिया।
जो टेलर को सीने में के लगते हैं 2 हफ्ते और उसके बाद भी ये ऐसे फिटिंग के सूट नहीं सिल पाते, बट मम्मी ने सी दिया है क्योंकि माँ माँ होती है। तो आप देख सकते हैं कि मम्मी ने पूरा सूट इतनी जल्दी सी दिया, इतने फास्ट, 1 घंटे 15 मिनट में बस वो मम्मी ने पूरा प्रॉपर से सी दिया सूट, जहाँ टेलरों को काफी टाइम लगता है सीने में। तो इतनी फास्ट सर्विस है, मम्मी कितनी टैलेंटेड है मेरी। और अब पेश होने वाली है हमारे जलील शायर की शायरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील शायर और मैं आज पेश करना चाहता हूँ जलील शायरी बड़े दिनों बाद। इरशाद के दिल के जहान में एक आग सी लगी है। वाह वाह, के दिल के जहान में एक आग सी लगी है। क्या कहने, दिल के जहान में आग सी लगी है। तू इतनी मोटी हो गई है कि दरवाजे में फंसी है। मोहब्बत करी क्यों थी इसने, तभी तो मैंने छोड़ दिया, फंसी रही अब तू। बिल्कुल फंस गई, बिल्कुल फंस गई। तो हमेशा हमारे जलील शायर की शायरी ऐसी ही होती है, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि आप अपने घर कब जाओगी, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी ही जाऊंगी, बहुत जल्दी, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाए। पहले से बेटर हो गई लेकिन अभी भी प्रॉपर से ठीक नहीं हुई है, गला अभी भी मेरा ख़राब है। और जैसे ही आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से अब काफ़ी बेहतर है, पहले से मेरे से नहीं पिया जा रहा गर्म पानी, और बट मैं अभी थोड़ा सा कर रही हूँ कंट्रोल कि मैं थोड़ा सा परहेज करूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा गले से मुझसे ज़्यादा बात नहीं करी जा रही, ना मुझसे बोला जा रहा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी रुशना के साथ। अगर नहीं भी आ पाए तो इंशाल्लाह ऐसे पार्ट जोड़ के आपको ब्लॉग देते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत और हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट प्यार सब देते रहें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी करते रहें। और आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे ब्लॉग को प्यार करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।